बरेली पुराने रोडवेज बस अड्डे से चोर रोडवेज बस को चोरी करके ले गए। घटना की जानकारी होने पर विभाग में खलबली मच गई। रात में ही बस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बस का कोई सुराग नहीं लगा। आरएम से लेकर एआरएम तक बस की तलाश में लग गए। गुरुवार को दातागंज में बस खड़ी मिली तो अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बस के बरामद होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रोडवेज के प्रधान प्रबंधक एमडी संजय कुमार ने बुधवार को ही सैटेलाइट बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें गंदगी मिलने और सुरक्षा के इंतजाम अधूरे देखकर उन्होंने फटकार लगाकर सुधार करने के लिए कहा था। एमडी के जाते ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल गए। बुधवार की रात बस चोरी हो गई। बरेली डिपो की बस एटी 5261 बुधवार को पुराने बस अड्डे पर खड़ी थी। देर रात कोई चोर बस स्टार्ट कर वहां से लेकर चला गया। हालांकि गुरुवार सुबह गायब बस दातागंज में लावारिस खड़ी थी। बस मिलने की जानकारी पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक गार्ड दो परिचालकों के सहारे सबसे बड़ा बस अड्डा, बस अड्डों पर बसों की सुरक्षा को लेकर कोई खास प्रबंध नहीं है। पुराने बस अड्डे पर एक गार्ड और दो परिचालकों के सहारे रात में बसों की निगरानी कराई जाती है। बरेली रीजन का सबसे बड़ा अड्डा है। दिन में तो कई स्टाफ हैं, लेकिन रात में बस अड्डे की जिम्मेदारी एक गार्ड व एक और दो परिचालक संभालते हैं। रोडवेज बस अड्डे से बस चोरी हुई थी। बस दातागंज में लावारिस खड़ी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली डिपो। सर, एक रोडवेज बस चोरी हो गई थी प्रांगण से, किस तरीके से जांच की और क्या पाया आप तक? 31 तारीख की रात को बस एक ड्राइवर था दिल्ली से लेके आया और उसको यहाँ सवारी उतार के वर्कशॉप जाना चाहिए था, लेकिन बस वो यहीं खड़ी करके कहीं चला गया और बस कहीं यहाँ से मिस हो गई। सुबह जब मुझे खबर मिली तो तुरंत मैंने अपने उच्चाधिकारियों को खबर किया और उसके बाद बस को तलाशने के लिए अपने मंडल में चारों तरफ फ़ोन हुआ और बस जो है हमारी 9:30 10:30 दातागंज से पता लग गया, तो हम लोग जाकर उसको ले आए। संबंधित चालक के खिलाफ जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया और इसकी FIR कराई गई। क्या लगता है कि यहाँ से चोरी होना, वो भी बस तो की बड़ी बात है कि आपके रोडवे से चोरी हुई है? असल में ऐसी घटना इसके पहले कभी हुई नहीं यहाँ से, तो बस का गायब होने के बाद हम लोग स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हो गए और उसको किसी भी इन प्रकार ने उसको बरामद करना था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। कल मेरी कोतवाल साहब से बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो ढूंढने में उसको लगे हुए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। नाचते नाचते डांस फ्लोर पर गिरा युवक, युवक की मौके पर हुई मौत। मौत का लाइव वीडियो में नाचते नाचते अचानक फ्लोर पर गिरकर तोड़ा दम। युवक का नाम प्रभात है, जो कि IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान में सहायक असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। बीती रात्रि जस्ट ग्राउंड होटल की दोस्त की पार्टी में आया था प्रभात। प्रभात की मौत के बाद जश्न के माहौल में छाया मातम फिल्मी गाने में नाचते नाचते प्रभात दुनिया को अलविदा कह गया। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बरेली शहर में नगर निगम द्वारा अधूरे कार्य से शहर की जनता को ही रही परेशानी और हाउस टैक्स में लापरवाही को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया। रामकिशन शुक्ला ने बताया, शहर में हो रहे सराहनीय विकास कार्यों में आमजन को कुछ अधूरे पड़े कार्य व अन्य कार्यों से सुविधा हो रही है। संजय नगर बाईपास रोड का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिए जाने से व्यापारियों व आमजन को बहुत असुविधा हो रही है। शहर में जहां भी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है उसकी पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। हाउस टैक्स की जो बिल बनाकर दिए जा रहे हैं उसमें लापरवाही बरती जा रही है और 10 गुना अधिक टैक्स लगाकर बिल दिया जा रहा है। नाकुलागंज शास्त्री जी की पुलिया स्थित एक बड़ा नाला है जिसमें शहर के बड़े हिस्से का पानी जाता है, जिसकी तली झाड़ सफाई कई सालों से नहीं हुई है, जिसमें पानी सड़कों पर भर जाता है। इन मांगों को लेकर रोहित जिंदल, रामकृष्ण शुक्ला, दीपक द्विवेदी, गौरव सक्सेना आदि मौजूद रहे। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम की ओर से महानगर व महानगर युवा टीम ने श्रीमान नगर आयुक्त महोदया को, श्रीमती नगर महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर की बात कही है। पहला, जिस तरीके से अतिक्रमण के चलते एकदम से दस्ते का आना और सामान जब्त कर लेना, ये थोड़ा विचारणीय है। पहले पूर्व सूचना दे दी जाए और जनता को विश्वास में ले लिया जाए। व्यापारी सुरक्षा फोरम का यह भी कहना है जनता से कि कृपया अतिक्रमण ना करें, नालों पर जो सामान है वो अपना अंदर कर लें, और अतिक्रमण करना सही भी नहीं है। उसके चलते जनता को विश्वास में लेकर पूर्व सूचना देकर अतिक्रमण चलाया जाए, ये हमने नगर आयुक्त महोदया से कहा है। दूसरा, शहर में जितने भी अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करा जाए समय से। दिवाली आ रही है ताकि लोगों में कोई ऐसी परेशानी ना हो, इस तरीके की मांगे हमने नगर आयुक्त महोदया से करी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द इन समस्याओं पर काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज व्यापारी सुरक्षा फोरम अपने पूरी टीम के साथ यहाँ नगर आयुक्त महोदया के पास कुछ शहर की ऐसी समस्या है जिसको लेकर यहाँ पर आए थे निराकरण के लिए। तो आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एक तो बरेली में जो नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स का बिल दिया जा रहा है वो मनगढ़ंत तरीके से दिया जा रहा है, किसी में 10 गुना ज़्यादा, किसी में 20 गुना ज़्यादा बिल लगाकर दे दिया जा रहा है। आम जन और व्यापारी को इससे बहुत बड़ी पीड़ा है। आज उस पीड़ा को हम बताने आए थे और साथ में शहर में अधूरे पड़े काम, जो संजय नगर बाईपास है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कम से कम 2000 व्यापारी वहाँ पर इससे असुविधा का सामना प्रतिदिन करता है, आज उसके लिए भी हमने निवेदन करा है। और शहर में जहाँ भी अधूरे काम पड़े हैं जिसके कारण नालों में सरियाँ निकली हुई हैं, आम जन को जीवन का खतरा है, ऐसे में हमने तमाम समस्याएं लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। नगर आयुक्त महोदया, उनके नगर आयुक्त महोदय और असिस्टेंट साहब ने ये कहा है कि जल्द आपकी सारी समस्या का निदान किया जाएगा और हर जगह ये दिखवाया भी जाएगा कि जहाँ पर अधूरे काम पड़े हैं वो क्यों पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठेकेदार की कमी के कारण या कोई नगर निगम में अधिकारी द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लेकर आए थे और निश्चित रूप से जल्द आमजन और व्यापारी को इससे लाभ मिलेगा। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता, राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। तुलसीपुर में इस वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी एक विशेष संयोग में 300 वर्षों बाद पड़ा है। तुलसीपुर गणेश चतुर्थी हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, किंतु इस वर्ष विशेष संयोग 300 वर्षों बाद पड़ा है, इसीलिए और भी विशेष रूप से मनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमा पूजन आरती के पश्चात गणपत बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता,
मंगलकर्ता, मोरिया नारों के साथ प्रारंभ किया गया। प्रथम दिवस भजन संध्या का आयोजन रहा, जिसमें लखनऊ से बुलाए कलाकारों द्वारा भजन किया गया। तुलसीपुर नगर में चीनी मिल में स्थापित प्रतिमा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मिल परिसर में मनाया गया, जिसमें मिल के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने बड़े ही भक्ति भाव से पूजन किया। साथ ही पुरानी बाजार, नई बाजार, थाना मोड़, बैरागी पुरवा, बलरामपुर चौराहा पुरवा सहित तमाम गाँव में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जो देवी पाटन के सरिया नदी में किया जाएगा। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के यशवी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की गरिमामय उपस्थिति में जनपद की कानून व्यवस्था, जनपद स्तर पर समस्त विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम के उपरांत उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों यथा राम सागर, अक्षय कुमार, देवेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, बालकृष्ण कसोधन आदि को कुल 57 लाख रुपए की परियोजना राशि के सापेक्ष 14,75,000 की सब्सिडी का चेक स्वीकृत पत्र वितरित किया गया, तथा धर्मपुर स्थित औद्योगिक अस्थान की इकाइयों द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बलरामपुर जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना में चयनित उत्पाद का सैंपल भेंट किया गया। समीक्षा कार्यक्रम जिलाधिकारी बलरामपुर डॉक्टर महेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडे, सहायक प्रबंधक उद्योग अखिलेश सिंह, अन्य विभाग के अधिकारी गण व लाभार्थी उपस्थित रहे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता: माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूदपुर पट्टी में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में लाठी डंडे चले। ग्राम मसूदपुर पट्टी निवासी लज्जाराम पुत्र रामदयाल का आरोप है कि गांव के ही लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में निकलने के विवाद में हमारे घर में घुसकर लाठी डंडों से हमारे सभी घर को पीटा। जब लज्जाराम थाने शिकायत करने गए तो आरोपियों पर मेहरबान चिलसरा चौकी इंचार्ज विशेष कुमार ने कहा कि ये सब हो जाता है और आप अपने घर भाग जाओ। और जब वो थाना अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने भी पीड़ित को भगा दिया। देखना ये है कि न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं। चाचा, क्या नाम है आपका? लज्जाराम। लज्जाराम, गांव कौन सा है? मसूदपुर पट्टी। अच्छा जी, चोट कैसे लगी सिर में तुम्हारे, क्या हो गया? चोट था, मेरा लड़का आए रो तो और रास्ता में गली में झंझड़ा पगे उनके दोनों तरफ बंधे थे। तो उसने मतलब हाथ उसके ऊपर जानवर के ऊपर रख के वो निकल आओ हटा दिया। हाँ, इतने में उसकी औरत गारी देने लगी सत्य अतिपाल की। अब फिर बेगराज आओ साहब, हमारा लड़का गद्दा भी लो उठा के दे मारो, लाठी फाट डंडा मारने लगे घर में घुस के। हम लोग थोड़े आदमी था, 3-4 लोग थे, 15-20 लोग थे। हाँ, फिर उनके सब तो लाठी थी। फिर मारपीट हो गई? मारपीट करी? मारपीट करी? मारपीट। फिर आप लोग क्या हुआ, चौकी गए थे कि नहीं? चौकी गए थे साहब, दरोगा जी ने जाकर कि वहाँ थाने जाओ। फिर हम थाने में तुरंत आए, तब उन्होंने एक आए
चोट लगी नहीं, उनके ज्यादा चोट लगी, फिर उन्होंने लिखी लिखाई नहीं, कुछ मना कर दिया था। तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? जी नहीं। उनकी लिख ली थी? हाँ उनकी लिख ली। और किसी की चोट लगी? हाँ साहब, हमारे बहू के भी लाठी पैर में लगी, उसकी भी कुछ उंगली वैसी है। अच्छा। अब उसकी फिक्चर हो गई। अच्छा अच्छा। फिर शमशाबाद गए थे आप थाने? हाँ शमशाबाद आए साहब। फिर उन्होंने क्या कहा? वहाँ पर रिपोर्ट लिखी नहीं गई ना, शमशाबाद भी नहीं लिखी गई? नहीं जी साहब, नहीं लिखी गई। और फिर डरना डॉक्टरी करी गई साहब, हमारी तो चोट माथे में है लाठी लगी हुई। राजस्थान के बारा छिपाप डॉट से छबड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत बम्बोरी घाटा के राजकीय विद्यालय में स्टाफ की कमी एवं बाउंड्री वाल और कमरों की समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने, ग्रामीण और अभिभावकों ने सरपंच प्रतिनिधि महावीर धाकड़ के नेतृत्व में सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान दोनों साइडों पर करीबन 1 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। छात्र छात्राओं ने बताया कि विभिन्न समस्याओं को लेकर आज छबड़ा छिपाप डौद मार्ग को जाम कर दिया है, क्योंकि विद्यालय में कमरों की कमी, स्टाफ की कमी, चार दीवारी न होने के कारण मवेशी आते जाते रहते हैं, जिससे कभी भी घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। इस समस्या का समाधान हेतु उच्च अधिकारियों को 3 से 4 बार बताने के बावजूद आज तक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए रोड जाम किया है। हालांकि आपको बता दें कि छिपाप डॉट पुलिस थाने से स्टाफ और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बम्बोरी घाटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल नामांकन 282 होने के बाद भी वहां पर मात्र 3 ही कमरे बने हुए थे, जिसमें भी उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के बाद भी साथ ही 282 छात्र छात्राओं के नामांकन होने के बाद यहाँ का महाविद्यालय 3 ही कमरों में चल रहा है। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोहिया, आप देख रहे हैं टीवी भारती न्यूज। आज ग्राम पंचायत बम्बोरी घाटा पर सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं, ग्रामीणों ने और अभिभावकों ने मिलकर के यहाँ पे जो स्कूल की जो मेन समस्या है उसको लेके यहाँ पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। हम जानना चाहते हैं इस छात्र से कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और इनकी क्या मजबूरी है जिसको लेके आज ये रोड पे आई है, ये बताए क्या यहाँ के स्कूलों, छात्र छात्राओं की प्रमुख समस्या है कि 12वीं तक स्कूल होने के बावजूद 2 ही कमरों में सीमित है। वही स्कूल में 4 दीवारी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं का और जानवरों का उसमें जमावड़ा लगा रहता है, गंदगी का ढेर यहाँ के स्कूल में लगा रहता है। हमारे साथ ही सरपंच प्रतिनिधि महावीर धाकड़ से जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या मांग रहा है। आपको दिया तो आप इससे क्या संतुष्ट है? धरना खत्म हो जाएगा? अब ये धरना आप समाप्त कर रहे हो? हम धरना समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद में कोई आपका अल्टीमेटम होने का कुछ भी स्थिति है? इन्होंने अप्रैल की घोषणा की है। बाउंड्री का कुछ भी सही निकाल दिया।
जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। पादरी व पूर्व डीएस बरेली श्री विजय के हैरिसन ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता में पादरी एल्बर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि एक दिन पूर्व पादरी एल्बर्ट ने बहुत से गंभीर आरोप चर्च के अधिकारियों पर लगाए थे, जिसके चलते पादरी हैरिसन ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि पादरी एल्बर्ट का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। आए दिन यह अनर्गल आरोप किसी ना किसी पर लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां भी इनका ट्रांसफर किया जाता है वहां भी ये नए नए विवाद खड़े कर देते हैं और इनका पूरा प्रयास यही रहता है जिस चर्च में जाएं वहां का पूरा पैसा इनके हाथों में रहे। पादरी एल्बर्ट ने हाल ही में विलियम दिलावर व उनके रिश्तेदार जो सदर चर्च के ट्रेजरार के विरुद्ध भी वेतन न देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो जांच में झूठे पाए गए हैं। पादरी हैरिसन ने यह भी बताया कि पादरी एल्बर्ट व उनके परिवार वालों ने मीरगंज चर्च भूमि को बर्बाद कर दिया है व अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, पादरी एल्बर्ट व उसके परिवार वालों ने सिविल लाइन्स स्थित जूनियर स्कूल संपत्ति को भी बर्बाद कर दिया है व दिगर व्यक्ति का कब्जा करवा दिया है और सिविल लाइन्स स्थित पुरोहित निवास पर भी अवैध कब्जा कर रखा है और उनमें गुटखा सिगरेट पान तंबाकू की दुकान खोल ली है और उसके साथ ही थोड़ी दूर पर ही सिविल लाइन्स स्थित अन्य लगभग 400 गज भूमि पर भी अवैध कब्जा कर मकान बनाकर अपने रिश्तेदार को कब्जा करवा दिया है। पादरी हैरिसन का यह भी आरोप है कि पादरी एल्बर्ट व उनके परिवार वालों ने एक विद्या एजुकेशन सोसाइटी बना रखी है जिसकी स्वयं पदवी एल्बर्ट अध्यक्ष बने हुए हैं व बाकी पदाधिकारी मेंबर इनके परिवार के ही है। पादरी हैरिसन ने आरोप लगाते हुए कहा, मैं रेवरेंड विजय कुमार हैरिसन वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल हूँ और सुवर्णनगर चर्च का पादरी हूँ और 106 लाइन बरेली में रहता हूँ। आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि जो अभी एक नया प्रकरण सामने आया है, एक आपके पास्टर हैं पादरी एल्बर्ट जो सदर कैट चर्च के पादरी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, शिकायत की है चर्च के उच्च अधिकारियों के खिलाफ और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, मुझे आज ही पता चला है और उन्होंने एक कोई वीडियो जारी कराया है और कुछ शिकायती पत्र दिया है, वो व्हाट्सएप पर चल रहा है तो वो मैंने पढ़ा और उसको पढ़कर मुझे थोड़ा हैरत में भी आया और हंसी भी आई कि ये पादरी एल्बर्ट बेंजामिन, जिनको मैं अब से नहीं, जब से ये पादरी बने हैं लगभग 2000 के आसपास से, फिक्स नहीं बता सकता और ये जरूर है 2000 के आसपास से पादरी हैं, जब से ही इनका इतिहास ये रहा है ये हर समय विवादों में रहे। ये पादरी रहे सहजवान में रहे तो वहाँ की जो मसीह समाज था वहाँ पर इनका विवाद रहा, उन्होंने वहाँ पर चर्च में अपना गाउन उतार के जला दिया, फाड़ दिया, उस पर भी इनके ऊपर आरोप लगे लेकिन इनको माफ़ कर दिया गया। तरह तरह के इन्होंने उसके बावजूद और चर्च में रहे, कभी भी ये कहीं सक्सेस नहीं रहे, लेकिन ये अपने इस स्वभाव से कभी इन्होंने बदला नहीं, चेंज नहीं हुए और ये इसी में आगे बढ़ते रहे। इनका स्वभाव है कि जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको ये ऐसे ही अपने दबाव में लेने का प्रयास करते हैं और नाजायज दबाव डालकर उनसे ये अवैध वसूली करने का प्रयास करते हैं। ये इनके द्वारा बार बार ऐसा किया जाना, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा करते? कारण जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं बताऊँ आपको, मैं 2019 मई के आसपास बरेली जिले का जिला अधीक्षक बना था मेथोडिस्ट चर्च का और मुझको यहाँ का कार्यभार मिला, लेकिन चार्ज में मुझे कुछ नहीं मिला, एक फाइल भी नहीं मिली और जब मैं यहाँ आया तो ये मेरे अंडर में आए, यहाँ के सदर मैथोडिस्ट चर्च में ये पादरी बने और मेरे संपर्क में आए। मैंने सर्वे किया बरेली जनपद के कितने चर्च कहाँ कहाँ हैं,
तो जैसे कि बरेली जिले में नवा आपका बिनावर है, मैथुरी चर्च है, भटौली मैथुरी चर्च है, भमौरा मैथुरी चर्च है, आवरा मैथुरी चर्च है, बीरबट्टी मैथुरी चर्च है, बरेली मैथुरी चर्च है, सदर मैथुरी चर्च है, और आपका आपका सीबीगंज मैथुरी चर्च है, और आपका किच्छा मैथुरी चर्च है, फरीदपुर मैथुरी चर्च है, नवागंज मैथुरी चर्च है, पीलीभीत मैथुरी चर्च है, सेंट पॉल मैथुरी चर्च है, इंग्लिश चर्च जो क्लेलसन कैंपस में वो है, और एक चर्च और है फतेहगंज, और एक चर्च और मीरगंज चर्च। जब मैं मीरगंज पहुंचा तो मैंने जब वहां पर सर्वे किया तो वहां एक बहुत बेशकीमती प्रॉपर्टी है, चर्च बिल्डिंग वहाँ इन्होंने ध्वस्त कर दी है, इनके घर वालों ने इन्होंने इनका उस पर कब्जा है, पूरा बहुत बड़ा एरिया है, वो भूखंड है और बिल्कुल छत गिर गई है, खस्ता इन्होंने तार डाल दिए हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट है वो चर्च के लिए है, उस पर भी इनका कब्जा है। जब मैंने वहाँ मालूम करा तो पता चला कि इस पर पादरी अल्बर्ट बेंजामिन का उनके परिवार वालों का कब्जा है। दूसरा, जब मैं बरेली में मैंने देखा तो प्राइमरी इंग्लिश स्कूल है मिशन अस्पताल के पास में, तो वहाँ पर इनकी मदर जो हैं वो उसकी प्रिंसिपल मैनेजर हुआ करती थी, तो वो इन्होंने स्कूल बंद कर दिया, और उस स्कूल की वो अरबों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, उसके खस्ता हालत है, और यहाँ तक तो पता चला है कि कृषि भू माफिया से मिलकर इन्होंने उसका कुछ लेन देन कर रखा है, इन्होंने कुछ कागज़ कर दिए, उनका एक हिस्से कब्जा भी करा दिया है। ये पूरा शहर, पूरे हमारे अधिकारी सब विदित है इस बात से, सब जानते हैं इस बात में। पादरी परमिंदर मसीह ने रेवरेंस यूनिवर्सिटी को लिखकर भी पूछा था ये स्कूल में क्या हो रहा है, उसी स्कूल को उन्होंने बंद करके उस पर इन्होंने अपने मदर के नाम से विद्या एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से इन्होंने रजिस्टर करा रखा है। उसके अध्यक्ष ये अल्बर्ट बेंजामिन है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है, मैथोरी चर्च की प्रॉपर्टी है, NIRC के अंतर्गत आती है। उसके बिशप हमारे डॉक्टर बिशप अनिल कुमार सरवन वो हैं, जॉन साहब हैं, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी सुनील मसीह हैं, ट्रेजर रेवन परमिंदर मसीह हैं, मैं HDS एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेम्बर हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो क्राइस्ट मैथोरी चर्च चौकी चला के पास है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आवास है पुरोहित का, जो क्राइस्ट चर्च में पास्टर बनेगा वो उस आवास में रहेगा, लेकिन क्या फादर स्वर्गीय बेंजामिन बिलाल यहाँ के पास्टर इंचार्ज थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से इन्हीं लोगों का उस पर कब्जा है, पूरे भूखंड पे, पूरे भवन पे उनका कब्जा कर रखा है इन्होंने, और एक हिस्से चर्च के बैक साइड में जो महिला थाना है उधर इन्होंने बहुत बड़ी कैंटीन बना ली है, और जो सब धूमपान आदि 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 क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप जाकर देख सकते हैं, ये इनके कब्जे में। तीसरा, इसी चर्च कंपाउंड में जहाँ दुकान उसके अगर आगे बढ़ेंगे महिला थाना से रामपुर गार्डन साइड में को, तो सेमरई हमारी शुरू होती है, सेमरई और चर्च का जहाँ डिवाइडर है, जहाँ जो विभाजन हो रहा है, उस कोने पे एक बहुत बड़ा भूखंड था, इन्होंने अवैध कब्जा करके रोड साइड जो कॉमर्शियल लैंड है हमारी रामपुर गार्डन रोड पे, उस पर इन्होंने अपना घर बना लिया है, उस पर इन्होंने अपना तार डाल दिया, और बैक साइड में इन्होंने अपने चाचा को लेकर दे दिया है, चाचा ने उस पर घर बना रखा है, ये सब संपत्ति इनके कब्जे में है, आप सुने, और ये उस पर अभी भी अवैध कब्जेदार हैं। इन्हें शक ये रहता है, ये इसलिए भ्रमित हैं कहीं चर्च इनसे ये सब जमीन वापस ना ले और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उस कार्रवाई से बचने के लिए ये अधिकारियों को समय समय पर ये अपना इस प्रकार से ये दोष लगा के उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखिए पादरी लोग हैं, हम लोग सम्मानित लोग हैं, अगर इनके पास प्रूफ है विजय हेजन के खिलाफ कि हमने कोई चर्च की प्रॉपर्टी बेची है, हमने कहीं साइन किए हैं, हमने कहीं दस्तखत किए हैं, हमारे कहीं अंगूठा निशानी है, ये दिखाए, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो मैं इस पर मानहानि का दावा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर।
माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।